10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग जारी। शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में डाला वोट, जनता से की वोट डालने की अपील। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने ईडी से मांगी केस फाइल। पूछा, 2 साल में 100 करोड़ का मामला 1100 करोड़ का कैसे हो गया। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एनिमेटेड डांस वीडियो हुआ वायरल। पीएम बोले, खुद को ऐसे देखकर मजा आया। बंगाल पुलिस ने मीम शेयर करने वाले को भेजा नोटिस। आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का अहम बयान। कहा, मुसलमानों को मिलना ही चाहिए आरक्षण। शाह के जंगल राज वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, वो डर गए हैं इसीलिए सभी को भड़का रहे हैं। बौखलाए हुए नजर आए महिला शोषण के आरोप से घिरे पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस। कहा, दीदीगिरी नहीं करूंगा बर्दाश्त। ममता बनर्जी कर रही है गंदी राजनीति। पूर्व सीएम और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आंध्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। स्किल डेवलपमेंट घोटाले में आरोपी है पूर्व सीएम। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में एसआईटी ने एनडीए प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना के घर की ली तलाशी। विक्टिम की बहन बोली, प्रज्वल को नहीं मिली सजा तो वह फिर करेगा ऐसा। आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने 15 मई तक बढ़ाई सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन को लिखी चिट्ठी। चुनाव के आयोजन में आयोग की विफलताओं पर उठाए सवाल। एकजुट होकर आयोग के खिलाफ आवाज उठाने की अपील। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले एक्शन में चुनाव आयोग। सभी राजनीतिक दलों को 3 घंटे के अंदर डी फेक और एआई निर्मित सूचनाएं हटाने के दिए निर्देश। फ्रांस में आयोजित त्रिस्तरीय बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान। कहा, चीन संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता का करता है समर्थन। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में मस्जिदों और यहूदियों के धार्मिक स्थलों के लिए उठाया बड़ा कदम। स्थलों की सुरक्षा के लिए फेडरल फंडिंग में अरबों रुपए की घोषणा। सीनेट के नेता चक शूमर ने किया ऐलान। भारतवंशी सुनीता विलियम्स की तीसरे अंतरिक्ष मिशन की लॉन्चिंग टली। टेक ऑफ से तुरंत पहले स्पेसक्राफ्ट में आई तकनीकी खराबी। अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से होने वाली थी लॉन्चिंग। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर उतरे लोग। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने की मांग। म्यांमार में आर्या पार के मूड में जुंटा सेना। विद्रोहियों के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन आंग जेया। पिछले साल तख्ता पलटकर सत्ता में आए थे सैन्य शासक जुंटा। सफायर मीडिया को मिला 92.7 बिग एफएम का मालिकाना हक। रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से फिसली कमान। एनसीएलटी ने दी मंजूरी। सेबी ने ठुकराया एनएसई का प्रस्ताव। एनएसई ने एफएनओ के लिए ट्रेडिंग टाइम शाम 6 से शाम 9 बजे तक बढ़ाने का दिया था प्रस्ताव। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। दिल्ली में 9 साल से नहीं जीती है राजस्थान। विवादों में फंसी अक्षय कुमार और अर्शद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3। वकीलों ने दर्ज कराई शिकायत। शूटिंग रोकने की मांग। न्यायिक गरिमा को धूमिल करने का लगाया आरोप। मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन के तीसरे सीजन की शूटिंग शुरू। प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम।